कितना प्यार गुरु साहब जी जो वाणी लिख रहे हैं वो सिर्फ लिख नहीं रहे, उन्होंने ये चीज है अंतर प्रेम, जिसके अंदर प्यार है वाकई उसनू सतगुर के वचन जेड़े है वो तीरा वर्गे लगते है, वो समझदा है। जिस तरह हजूर कई बार फरमाते होंगे सी कि सुथरा फकीर कोई महात्मा सी उसके सत्संग बैठा सी, दो चार तुकां पढ़िया ते सुथरे फकीर ने की किया कि उधर पिठ कर दी, मूँह दूजे पासे कर दिता। जब सत्संग समाप्त होया ते लोगों ने कहा महाराज ये सुसरे ने बड़ी बेअदबी की थी, तुहाड़े वाले इसने पिठ कर दी, मूँह दूजे वाल दूजे पासे कर दिता। महात्मा ने पूछा भाई सुधरिया तू ये की किया, कह लै महाराज मैनू तो दो चार ही मूँह ते पईयां, मेरा मूँह फट गया, फिर मैं पिठ करती मोर कर दिते उधर भी चलो इधर जैसा मर्जी होंदा रहे, जिस तरह मर्जी होंदा रहे, पिठ जरा सख्त होंदी है इतने वजदिया रहनगियां कोई डर नहीं। ये बड़े तगड़े जेडे सामने मूँह करके बैठे तो भाई जो कुछ गुरु साहब जी वाणी च फरमा रहे ठीक है, असी वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां रोजाना ही असी सुनते हैं, लेकिन सानू बजदी एक नहीं, सानू थोड़ी बहुत दर्द होवे वजे सानू महापुरखा की बाणी, दर्द होवे तां कुछ सानू अकल समझ भी आ। जिस पशु नू सोटा बजदा वह किदां रस्ते ते आ जांदा, हाली वह भजन खिंचदा है भार लद्दिया हुंदा है, जदों उहदे डांग बजदी है वह किदां कुराए पिया हुंदा, किदां रस्ते आ जांदा। ये सानू भी ये खड़का डंडा संतां दी बाणी दा असी क्यों नहीं रस्ते पईए, पर असी एक कान सुनदे आ दूजे लंघा देने आ, असर नहीं कर रहे। गुरु साहब जी जिन्हां दी बाणी पढ़ रहे हैं उन्होंने असर किया, जो बाणी के फरमा रहे ठीक फरमा रहे, सानू सतगुर दे वचन सुन के इस तरह लगे जिस तरह तीर लगते, किसी जानवर नू तीर या परिंदे नू लगदा वह काल हो जाता है, प्रेमी जन जेड़े है वह इस तरह कायल हो जाते। कई बार ये दसे कि जदों कृष्ण महाराज जी फैसला कराण वास्ते गए पांडवों का, दुर्योधन के पास गए, उन्होंने कहा पांच पिंड दे दिओ, ये पंजे भरा अपना गुजारा कर लेंगे, पर उन्होंने मनिया नहीं, कह लगे कि तेनों नहीं पता राजनीति की होंदी है, तू गवां चारदा इन्हां जंगल विच साढ़े नालों जंग करन, जंग करके ले लैन, इस तरह असी एक घोड़े दे पैर जिनी भी जगह नहीं दे सकते। कृष्ण महाराज जब उठ के तुरन लगे कह लगे आज इतने रहो जी, उन्होंने कहा भी दो तीन मकसद होंदे रहन दे, जा किसी जा रिश्तेदारी हो
जां कोई होर सज्जन मित्र या यार दोस्ती होवे, जां गुरु सिख का नाता होवे, ते साडा ते कोई भी तुहाडे नाल नाता नहीं। जदों साडा तुसीं वचन ही नहीं मन्निया ते नाता भी की है साडा, ते रात रहण दा भी मतलब की है? किथे चला गए बेदर दे घर? अगे बेदर घर नहीं सी, जदों आवाज मारी ते बेदर दी औरत ने दरवाजा खोलिया तो दर्शन करके बेअकल हो गई, बेहोश हो गई, कोई सुध नहीं रही शरीर दी। कृष्ण महाराज नू केले खवाण लगे, छिलड़ छिलड़ कृष्ण महाराज अगे रख दे, वे ते गब्बे आप खाई जा। प्रेम दे नाल वो छिलड़ी खाई जा। जदों बेदर जी आए उन्हें देखिया, देखिया भोली की किया, छिलड़ भगवान नू खा रही है, गब्बे आप खा रही है। ते वो जड़ा प्यार सी, वो प्यार दी मस्ती बेरिया सी जड़ी अंदर, होश आ गई कि फिर वो गब्बे लगी देन। ते कृष्ण महाराज ने कहा कि वो स्वाद नहीं जड़ा पहले सी, जड़ा पहले स्वाद सी वो नहीं है, इनू कहिंदे प्यार। सुन गुर वचन मन तीर लगे आ, जिहदे अंदर वो प्यार होंदा है वो जदो वचन सुनदा है वो बेसुध हो जांदा है, उहदा प्यार जिहड़ा है वो फैल जांदा है सारे शरीर च। जिस तरह किसी बंदे नूं वो जहरीली चीज लड़दी है वो सारा सारे शरीर च फैल जांदी। तुसी टीका किसी नूं कोई डॉक्टर करदा है तो टीका दे थोड़ी जी थां करदा, लेकिन सारे शरीर च ही वो फैल जांदा है। ये साडे अंदर क्यों नहीं फैलदा सतगुर दा वचन? साडे अंदर क्यों नहीं गंजाइश कि सतगुर दा वचन जेड़ा है साडे रूम रूम च फैलना चाहिदा? एक जहर मामूली चीज, तुसी जहर कोई चीज डंग करदा वो सारे शरीर च फैल जांदा मिंटां च। संत सारी उम्र लगा देंदे हैं, सारी उम्र समझाते रहते हैं, साढ़े नाल इतने सिर सफाइया करके वो चला जाते हैं, अपने शरीर दियां कुर्बानियां दे के चला जाते हैं, लेकिन सानू असर नहीं होंदा। सानू असर नहीं होंदा। जिन्हां महापुरखां की बाणी पढ़ रहे हैं उन्होंने असर होया, उन्हें तद बाणी च लिखिया है सुन गुर वचन मन तीर लगे है। पर पहला दसा है अंदर प्रेम सी, विरिया सी अंदर, तीर तद लगा कि अंदर प्यार सी। जे प्यार नहीं तो सानू बाणी का भी स्वाद नहीं, सतगुर के वचना का स्वाद नहीं। जे अंदर प्यार होएगा तो सानू सारिया चीजा का स्वाद आएगा। एक तुक नूं असीं सुणांगे दूजी ते खाशा रखांगे, अगे आशा रखांगे दूजी की कहिंदी, उस नूं सुणांगे तीजी बार साडा ध्यान होएगा कि ये सानू की कहिंदी है। हर एक तुक बाणी दी वो सानू समझा रही है, लफज लफज सानू समझा रहे है, ये नहीं कि सानू कोई गलत सिक्ख्या दे रहे है, वो सानू अच्छी सिक्ख्या दे रहे है, लेकिन साढ़े असर नहीं होंगे। जिहड़ा महापुरखां नूं असर होया वो समझा रहे दस रहे बाणी विच। हाँ जी, अंतर जा
जदों भगत पुकारे दा पातशाह इब्राहिम कबीर साहब दे पास रहा सी 12 साल दे बाद जदों उन्होंने जूठा पानी भांड्यां दा धोण तां उत्ते सुटिया ही ते उन्हूं अमृत बना लिया। क्यों अमृत क्यों बनिया? अंदर प्यार, अंदरों दवाइत, अंदर का भाव खत्म हो गया सी ते वो जूठा पानी भी जिहड़ा सी भांड्यां दा धोण तां वो भी अमृत समझ लिया कि अमृत मिलिया। जब तक साढ़े विच अवस्था नहीं आउंदी असी उस खजाने के मालिक नहीं बन सकते, उस दौलत के मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि ये फकीरां दियां मसालां ने, तजर्बे ने उन्हां दे कि 6 साल पहला जदों उन्हां दा उन्हां दी ट्राई कीती घर का कख कान वो कूड़ा सोत के उत्ते सुटिया ते मन च अहंकार सी, अंदर अहंकार सी पातशाही दा, ते ए कहा कि जे कोई मैनू मेरी पातशाही दे विच इस तरह करदा ते मैं चार ऐसे करके चौना दरवाजिया नाल टंग देंदा। जदों अंदरों भाव निकलिया ईर्खा दबायत निकल गई कि वह ही जूठा पानी जिहड़ा सी 6 साल के बाद फिर जदों वह सुटिया वो अमृत बन गया। जितने चिर साढ़े विचों ये शक्तियां बाहर नहीं आउंदियां ते साढ़े अंदर वो ताकत नहीं आ सकती। सारे महापुरखां ने उस ताकत नूं लैण वास्ते ये जिहड़ियां अगे ताकतां साढ़े विच बैठियां ने इन्हां दा इंतजाम किया है, इन्हां नूं कढ़न की कोशिश की है। तुलसी साहब जी महाराज बाणी च फरमाउंदे है, दिल का गुजरा साफ कर जाना आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए। जब तक साडा वो गुजरा साफ नहीं होंदा वो किदां बैठेगा साढ़े अंदर? हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे सी कुत्ता जदों बैठदा है वो भी थां नूं साफ करके बैठदा है, जिथे भी बैठदा वो खैरू मारदा अगे पिछा करके फिर बैठदा। वो ईश्वर परमात्मा है, वो साढ़े अंदर प्रगट तां होएगा उहदे बैठण दी जगह होएगी। भगवान जी ने जदों जंगल दे विच ऋषियां मुनिया ने सदा पत्र दिता आउण वास्ते के दर्शन दिओ जी, ते उसे जंगल दे विच भीलणी भी सी। उन्हां ऋषियां मुनिया दा हुजरा साफ नहीं सी लेकिन एक भीलणी सी जिसने बंदगी करके ते उहदे विच सिर्फ एक मालक का प्यार सी। कखां जी खुली सी, गरीबनी सी लेकिन बिचों पातशाह सी, उत्तों ही गरीब है। फकीर जिहड़े वो इस माया नूं मंगदे ही नहीं ते ना ही चाहुंदे है कि इन्नी साडे कोल आवे जिहड़ा मालक का प्यार छुट जाए, इस चीज़ नूं चाहुंदे नहीं। जिथे भी ये चला जांदी है मालक का प्यार उत्थे मुक जांदा है। जाओ तुसी देखो, नज़र मारो जिथे जिथे है गए, कोई उन्होंने पता है कोई रब रहीम का, कोई शिवर का, कोई साध संगत जो बैठ सकते हो? वो तो हंकार ही ले फिरदा उन्होंने, वो साध संगत में आ ही नहीं सकते। वो अपने आप को एक बड़ा वड्डा समझदे ते साध संगत में बहन दी उन्होंने आदत समझदे। जदों भगवान जी जंगल विच गए एक ऋषि नूं पुछया कि मकान किहदा है? जी साडा है। हाला उन्होंने बड़े आला मकान बनाए सी, खाने दाने भी चंगे बनाए सन। दूसरे नूं पुछया, दूसरे ने भी कहा जी ये मकान साडा है, ये किहदा भाई? ये साडा है जी।
तीसरे नूं इसे तरह पुछते पुछते चला गए। फिर उन्हें पूछा कि इतने कोई होर भी साधु है? कह लगे जी एक पीलनी है, माड़ी जी गरीबनी, वह पर झुकी है जी, उत्थे चला गए। जदों चला गए पूछा ये कुड़िया किदी है? तो पीलनी ने कहा भगवान जी ये कुड़िया तुहाड़ी है, मैं भी तुहाड़ी हाँ, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तुहाड़ा ही। उहदा गुजरा सी साफ, उस कुटिया दे विच भगवान जी बैठ गए, सब ऋषि मुनि जिहड़े सी सड़न दे कि साडे ऐसे सोहणे मकान, साडे मकानां च भगवान जी बैठे नहीं, और कुटिए कखां दी कुली विचों गरीबनी खाण नूं भी कुछ नहीं। उन्हें जंगल विचों वेर चुन चुन के लियांदे, चक चक के बेर लियांदे सी कि भगवान नूं चलो भोग लगावांगे, और तो मेरे पास कुछ नहीं। भगवान नूं जूठे बेर खाना पे पीलनी दे प्यार पिछे, क्यों जदों उन्हें सब कुछ दे ही दिता कि मेरा कुछ है ही नहीं, जूठे बेर भी भगवान ने खाते। ऋषिया मुनिया दे भगवान पक्के रह गए, वो नहीं खाते और जूठे बेर खाते। क्यों खाते? की भेलनी नाल कोई लियाई सी? उहदा प्यार। असीं बाहरलियां बनावटां देखते हैं, बाहरले समाज बनाए है, परमात्मा का कोई समाज नहीं। परमात्मा ने तो प्यार देखना है, उसने अंदरों देखना, बाहरों नहीं देखना। असीं इत्थे दुनिया समाजां नूं लैके तुरी फिरते हैं, क्यों बेर खाते? जदों इन्हां दे दाल दे विच किरम पै गए ते ऋषि मुनि जिहड़े प्यासे मरन लगे, दरियाए पानी नहीं सी मिलदा, उन्हां जवाने जे ट्यूबवैल थोड़े सन, तलावां दे विच पानी आउंदे सी, ते सारे ने जोर लाया अपना अपना ते किरम नहीं मरे, खत्म नहीं होए। वो कमाई दा मजबून है सारे, वो मेहनत करती सी, भजन बंदगी करती सी, गलां दा मजबून नहीं। हाँ जी मन की बरसा भाई, ये किसी नूं की पता है? ये उसे नूं पता है जिन्हों लगती है, मन की विरथा मन ही जाए, दूसरा की जान सकता है? राम गुर मोहन मोर मन लैया, राम गुर मोहन मोर मन लैया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, राम गुर मोहे मोहे ली, मेरे सतगुर ने मैनू मोह लिया, मैनू अपना बना लिया, हुण इन्ना मोह हो गया कि मैं किसी जोगा नहीं रहा, सारे नाते टुट गए, सारे जाल जिहड़े सी खत्म हो गए, एक मेरे सतगुर ने मैनू मोह लिया। ये महाराज चौथी पातशाही गुरु अमरदास जी की बाणी है, और अपने सतगुर की तारीफ कर रहे हैं कि मेरे नाल सतगुर ने इतना प्यार इतना मोहब्बत, इन्नी वो मैनू शक्ति बख्श दिती है, दा दिती है कि मैनू मोह ही लिया, अपना बना लिया है। हाँ जी राम गुर मोहन मोहन देखे
साहब जी फरमाउंदे आ कि मैं मेरी अकल खत्म हो गई, बेअकल हो गई, मैं लोट पोट होके पै गई। जिस तरह तुलसी साहब जी महाराज एक बार सोचा, एक मेला लगा सी, उस मेले भी चला गए। ये विचार की कि जे मेले के लोग सारे मेरे वाल देखन तो इन्हों सचखंड लै जाव, सारियां नूं सचखंड लै जाव, पर किसे देखिया नहीं। यही क्या कोई बुढ़ा जिहा जांदा है। एक कंजरी सी जिहड़ा कि अपना पेशा छड्ड के कोई साधुआं दी संगत करदी सी। जदों उस कंजरी ने देखिया, मत्था देखिया, अखां देखिया, नूर भरिया, वो चेहरे दी रूहानी देखी ते अंदरों मन गई, पूरा अंदरों मन ने मन लिया कि या कोई ये मालक का प्यारा या खुद ही मालक है। जदों अंदरों मनिया ते उधर तुलसी साहब जी महाराज ने भी ध्यान किया, ते उस दी सुरत जड़ी थी वो कंजरी डिग पई जमीन ते और सुरत खंडा ब्रह्मंडा ते पहुंच गए, समाधि लग। तुलसी साहब जी महाराज कहते हैं कि एक कंजरी सारे मेले की उतरी, क्यों लोट पोट होके पै गई, रूह अंदर चला गई। गुरु साहब जी जो बाणी के फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि मैं सतगुर के बचन सुन के उन्होंने दर्शन करके मैं बेअकल हो गई और लोट पोट होके पै गई, बेहोश हो गए। मैनू कोई दुनिया की होश नहीं रही, क्योंकि साधु वो महापुरख जेड़े बंदगी करते हैं वाकया ही उन्होंने इस दुनिया की होश मुक जाती है और वो दूसरी दुनिया च जाके रल जाते हैं। साढ़े अंदर भी दुनिया है, बाहर भी दुनिया है, इधरों असी बेहोश हो जाते हैं। जिदा कि फकीरां दी समाधि जदों हजूर की समाधि लगी थी तीन दिन तीन रातां, ते सारे लोग कहिंदे हे कि मर गए है, ठीक है इधरों मर जाते हैं फकीर, वो दूसरी दुनिया जिधर चला जाते हैं जिधर जींदे आते हैं। बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि मैं देशां प्रदेशां दे विच फिरदे रहे, निसदे रहे, जमाइशां करदे रहे, मैनूं प्रभु दे देखण दा बड़ा चाह, बड़ा शौक सी, बड़ी मुहब्बत सी मालक दे देखण दी। मैं देशां प्रदेशां च पौंदे रहे, ठीक है जिन्हां दे अंदर वो विरिया आउंदी है। आम दस्या है कि हल्किया कुत्ता ये साधु जेड़ा है वो अपने देश च नहीं रहिंदा ते ना ही उत्थे मरदा है, क्यों? हल्किया कुत्ता भी अपने पिंड च नहीं रह सकदा, उहनूं उस मालिक का प्यार, मालिक का इश्क होंदा है। उस नूं ढूंढदिआं ढूंढदिआं ही बेशको सी देह भी चला जाए, जन्म मुक जाए ते मुक जाए, लेकिन वो अपनी तलाश दे विच कमी नहीं आउंदे, तलाश करदे ही रहिंदे। गुरु साहब जी जो बाणी जो फरमा रहे ठीक फरमा रहे कि मैंनू प्रभु दे देखण दा बड़ा चाह, बड़ा शौक और मैं देशां परदेशां च ढूंढदा रहा। हाँ जी, बहुत मन गई।
जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि मन तन कट के मैं उन्हां दे अगे रख देवां, किहदे अगे? जिन मैनू हरदा पंथ हरदा राह रस्ता जिन्हें मैनू दस्या है, मैं अपना मन तन कट के उन्हां दे अगे रख दिया, ये मैं अर्पण कर दिया गया उन्हां दे अगे। देखो संतां दे विच कितना प्यार कितनी मोहब्बत, कि वह अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते। अगर सानू राह रस्ता मिल जाए, असी अपने मालिक दे घर पहुंच जाइए, वह अपना शरीर भी देन वास्ते तैयार होंदे है कि शरीर भी कुछ नहीं, ये कोई गल नहीं है जी, किसी काम की चीज नहीं है। अगर ये मिट्टी दे के सानू नूर चीज मिल जाए, असं अपने घर चले जाइए, तो इस मिट्टी नू की करना है? ये आखिर इत्थे दी बनी इत्थे रहनी है। फरीद साहब की बाबत कई बार तुहानू दस्या कि वह अपने मुर्शिद की सेवा करदा हुंदा सी, पानी गर्म करा के शनान कराउंदे हुंदे सन। फरीद साहब जी का हमेशा ही महापुरख जमाइशां करदे आए, प्यार देखदे आए कि साढ़े च प्यार जिहड़ा है वह सच्चा प्यार है या झूठा प्यार है। प्यार का पता तो समय सिर लगता है, इदां ते असीं सारे ही प्रेमी हुंदे हां, पर जदों कोई समा आवे अदू पता लगता है कि प्यार है या नहीं है। एक दिन मुर्शद ने तुहे जो अग बुझा दी, दिल च ख्याल ये सी कि देखिए उन्हें किस तरह पानी गर्म कराउंदा है, किस तरह शनान कराउंदा है, क्या कराउंदा भी है कि या ये नागा पाउंदा है। जदों फरीद साहब जी अगे वांगरी उठे, उठ के तुहे जो देखे अग ने सोची पै गए कि हुण अग कित्थों लईए, जे मैं मुर्शद नूं शनान नहीं कराया तो मेरी सेवा च नागा पै जाएगा। एक दिन का नागा पैना देखो कितना उन्होंने महसूस किया कि एक दिन का भी नागा जिहड़ा पैना है भी ठीक नहीं। किधरे उच्चे थां चढ़ के देखिया, बड़ी दूर बाद किधरे दीवा जगदा नजर आया। फरीद साहब जी तुर पे, उधरों मीह झाकड़ कुदरत ने छड़ दिता, थोड़ा हौसला छड़ गए कि सर मेरी कमरी पे छिद जाए। विश्रांति भी हुण चार छिट्टा बाहर पैंदियां, असीं बाहर नहीं निकलते कि किधरे कपड़े भिज जाणगे। फिर फरीद साहब ने सोचा कि जे मैं अग लिया के पानी गर्म करा के शनान नहीं कराया तो मेरी सेवा च नागा पै जाण। एक क्या पिजो सिजो कंबली अला बरसायो में जाए मिला ते सजना टूटे नाई ने, ऐ मेरी ये कंबलीए तू पिज सिज जा, ऐ अल्लाह तू मीह भी बरसा दे, पर मैं अग वाले सज्जन नूं जरूर मिलांगा, अग लिया के गर्म पानी करके अपने मुर्शद नूं शनान करावांगा। जदों फरीद साहब जी चला गए, वह मकान कंजरी दा सी, कंजरी बेईमान हो गई। फरीद साहब ने कहा माता एक कोला अग का चाहिए है, उसने कहा एक कोले का मुल एक अख दा ना। तो फरीद साहब ने सोचा बड़ी सस्ती अग है, बहुत सस्ती अग है, साढ़े अज कि उंगल नूं चीर लग जाए ना कोई काम करदे हां ते 50 वारी बंदा वह दसदा कि मेरी उंगल नूं चीर लग गया है जी। फरीद साहब ने अख च उंगल पा के दाना कढ के कंजरी की तली ते रख दिता, पट्टी बन ली और अग लिया के पानी गर्म कराया। ते मुर्शद नूं ये नहीं दस्या कि मैं अख कढ के दे आए, मुर्शद नूं नहीं दस्या, पट्टी बदी शनान करा रहा। पुछया मुर्शद ने कि पट्टी कद वास्ते बदी है, की है? कहन लगे जी अख आ गई है। ये नहीं कहा कि मैं ये कम कर रहा है, कई कहते आ गई हैं, कई कहते दुखने आई हैं। मुर्शद ने कहा जे आ गई है तो फिर पट्टी खोल दे, अगे नालों छोटी आई, आ जरूर गई है। देखो कितना प्यार, इन्ह अखा की करना है, ये अखा कि कोई नेक पाग देख दिया ने या चंगे काम कर दिया? अगर अख दित्या भी मुर्शद की खुशी मिल जाए तो होर की चाहिए?
सारा शरीर दित्या भी खुशी मिल जाए तो होर सानू की चाहिए, शरीर तो रहना ही नहीं। महाराज चौथी बात कही गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे, हाँ मुंडा जिहड़ा इहनू वट चाढ़न दिया ए दरी नूं इहनू पासे ते करो, हाँ एक जना इन कई वट चाड़े है ते कई कुछ कीता हैगा, तू उधर बाहर चले जा जिथे दरी नहीं होए, उठ उत्थे चल पास। इन्हें फड़ के इन दरी का इस पासे का पासा ही इन्हें खेड़ दिता है, उस वेले का लगा है। हाँ जी मन तन काट गोर आगे जन हर प्रभा मार्ग बंधा दिखाई बड़े प्यार नाल फरमा रहे कि मैनू कोई संदेशा मेरे मुर्शिद दा देवे और मेरे हृदय दे अंदर ओदा संदेशा जेड़ा ओदे बचन जेड़े है वो बड़े मिठे और प्यारे लगने चाहिए, और मैं उस सज्जन दा धन्नवाद करना चाहिदा कि जेड़ा मेरे मुर्शिद दा संदेशा देवे। कोई मैनू खबर देवे खुशखबरी दसे मैं उसका धन्यवाद करांगा, उसके वचन मेरे अंदर मिठे और प्यारे लगने चाहिए। हाँ जी कोई आन संदेशा हृदय अंतर मन तन मीठे लगैया गुरु साहब जी बड़ा प्यार फरमा रहे है, देखो कितना प्यार दस रहे है कि मैं अपना मस्तक कट के उन्हां दे चरणां दे थले दे देवांगा जो मेरे प्रभु नूं मेल दे, मेरे मालक दे ढंग दस देवे उहदा राह रस्ता दस देवे, मैं अपना मस्तक कट के चरणां दे थले दे देवां, क्योंकि जो सच्चे गुरमुख ने वो इस दुनिया की माया से कुछ खास यदा दान पुन नहीं समझते, वो अपने शरीर का ही दान पुन समझते। शरीर की भेटा जी है सब तो उत्तम है सब तो उची है, तो सारे गुरमुखा ने एक शरीरक भेटा, जिसे शरीरक भेटा आ गई उसे सब कुछ धन पदार्थ भी आ गया, दौलत माया आ गई, सब कुछ आ गया। उन्हें इस शरीर की परवाह नहीं की कि जिसन असी बड़े अच्छी तरह नाल इसनों पालते पोसते हाँ यदि बहुत रक्षा करते हैं, लेकिन फकीर ने इनू भी कहा कि असी अपना शरीर कट के दे दें मेरे मालक दे नाल मेरा प्यार जोड़ दे भी मैनू उत्थे पहुँचा दे वे मैं उहदे अगे मस्तक कट के दे देंगा। हाँ जी सखी किसनों क्या है, सखी क्या है कि जेड़ी गुरपुती रूह जिसनों नाम दान मिलिया उन्हों सखी क्या है, चल चल सखी चलो कट्ठे होके चलिए असी सतगुर दे गुण
सतगुर के पासों अपनिया मंगा पूरिया करिए, उन्हां पासों असी कोई दात मंगीए, उन्हां पासों असी कोई खुशियां हासिल करिए। आओ सखियो चलो कट्ठे होके चलिए। हाँ चल चल सखिया प्रभु प्रभु गुण का मन कर हर प्रभ जेड़े मालक दे प्यारे ने भाई वह दिन रात भगती करते हैं, उस मालक की बंदगी करते हैं, उस मालक दे नाल उन्हां दा प्यार होंदा है, उन्हां दी टेक ही मुर्शद दी होंदी, उन्हां दी होर कोई टेक ही नहीं है। असी उस मालक दे मिलन वास्ते केड़ा शिंगार करना है ते केड़ा ढंग करना है, किस तरह असी मिलना, असी ये भी कदी सोचा नहीं कि किसी रिश्तेदारां दे जांदे आ, क्या असी पुराने कपड़े पा के जांदे आ, उत्थे भी असी अपना जिन्ने जोगा बंदा हुंदा वो शिंगार करके जांदा है, जितने जोगा होंदा इन्ना शिंगार करके जांदा, सोहना बन के जांदा, ब्याह शादियां नूं जांदा, तद भी वह कोई शिंगार करके जांदा। गुरु साहब जी फरमाउंदे कि असी भी अपने मालक नूं मिलना है, असी किहड़ा शिंगार करना है, असी खेमा धीरज बबे प्यार दा वो शिंगार करना है, वो शिंगार करके असी उत्थे जाना है। अगर ये शिंगार साडे विच नहीं होएगा वो मालिक सानू मंजूर नहीं करेगा, उसनू ये चीज चाहिए है। स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाया है, कोमल चित दया मन धारो परमार्थ का खोज लगान, कोमल चित दया मन धारो फिर तुसी परमार्थ का खोज लगा सकते हो, परमार्थ नू समझ सकते हो। जितना चिर तुहाड़ा चित कोमल नहीं, तुहाड़े अंदर दया ही नहीं, तुसी परमार्थी भी किदां बन सकदे। परमार्थ कोई दरख्त नहीं, कोई लकड़ी सुकी नहीं, नरमाई है, प्यार है, मोहब्बत है, परमार्थ है जी। वो एक रिहौली है, रिहौले दरख्त दियां डालियां तुसी जिथे मर्जी लफा लो, जिधर मर्जी उन्हां नूं कर लो, उधर हो सकदियां ने। जब तुहाडे विच नरमाई नहीं, कोमल चित नहीं, दया नहीं, तो परमार्थी भी नहीं हो सकदे। परमार्थ दे खोज करने वास्ते उन्हें समझन वास्ते साढ़े विच दया चाहिए। हाँ जी जदों साढ़े जे शिंगार होएगा ते सतगुर फिर की करेगा, मन दीवक गुर ज्ञान, सतगुर ने साढ़े अंदर फिर वो ज्ञान प्रगट कर देने है जी, वो ज्ञान प्रगट कर देगा, वो शब्द प्रगट कर देगा, साढ़े अंदर बुझा होया कमल जेड़ा जाग पाएगा। हाँ जी रस रस भोग कै प्रभु कट कट परिया
गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे, शेर वो मेरा मालक जेड़ा मेरे ते खुश होएगा, असी उस मालक नाल गल्लां बातां करांगे, खुशियां करांगे, असी उहदी खुशी हासिल करांगे। क्यों? असी अपने जी अपने इस तन मन नूं कट के अगे रखदे आं। गुरु साहब जी इस मन की मिसाल दिती है, ये मन मोती फिर चूर हो गया, इसकी कोई कीमत नहीं रही। जिस तरह अंग्रेजा ने की किया है कि जेड़ा हीरा जिहदे तो लड़ाइया लगदियां सी पिछे पातशाह दियां, किसी ने पूछा हीरे की कीमत की है, सियाने बंदे दस्या कि छित्तर, इसकी कोई कीमत नहीं, जिन्हें छित्तर फेरिया वह लै गए, इसकी कीमत ही छित्तर है, जिसका जोर पिया छित्र फेरिया दूजे ने खो के लै गए। इन्होंने की किया हूँ, चलाकी की कीती है कि उस हीरे के टुकड़े कर दिते है, हीरे नू हीरा रहन ही नहीं दिता, छोटे छोटे टोटे करके चार तह जमीन के थले, चार मजलां थले रख दिता, जाके ऐसी चलाकी कीती आमदन बना ली। बाहरले मुल्कां दे लोग जाते हैं, टिकट रखी है देखने वास्ते, हजारा ही लोग रोज दे, पता नहीं किन्ने को लोग सारी दिन तुरे रहते हैं जी, लखा रुपये आमदन उहदी बना ली और पहरा लाता उत्थे, सिर्फ तुरी जाओ तुसी ते देखी जाओ धरिया थले टोटे करके रखे है, ना कोई चुक सकता है, ना उन्हों लै सकता कदे, ना उहदी कोई कीमत रही है जी। जदों वो साबत सी अदों कीमत सी, अदों पातशाह लड़दे सन लड़ाइया करके उस हीरे नू एक दूजे ने जिन्हें जिहदी ताकत ही लै गया, हुण उन्होंने चार मजलां थले जमीन दे उस हीरे नू टोटे करके रख दिता, कोई कीमत नहीं रही, की लेगा कोई, टिकट रख दी है देखने वास्ते, लोग जाते हैं बाहरले जेडे टूरिस्ट जाते हैं वो देखने वास्ते जाते, उन्हें टिकट रखी पर लखा रुपये रोज की आमदन है, तुरी जाओ तुसी चक्कर मारी जाओ, खड़ोना नहीं, खलोण नहीं देंदे, तुरी जाओ तो देखी जाओ बस। इस तरह गुरु साहब जी फरमाते हैं, ये मन मोती जेड़ा इनू चूर कर दिता सतगुर ने, इसकी कोई कीमत नहीं रही, ये हलनों चलनों बंद हो गया, जिहड़ी चीज चूर हो जाए टोटे सोल मोल हो गए टोटे हो जाए वह हिलेगा किदा, ये मन साडा जेड़ा ये बिल्कुल सोल मोल बनया गोल है, हिलदा ही रहिंदा है, ये कदी भी थिर नहीं रह सकता। बाणी विच गुरु साहब जी फरमाया है, बच्चे की मिसाल दे के, काया अंदर एक बालक बसदा खिण पल थिर ना रहे, इसे काया के अंदर एक बालक बसदा है जेड़ा एक खिण ते पल भी थिर नहीं रह सकता, वो थिर नहीं रह सकता, हिलता रहिंदा है। बालक की मिसाल दे के, अगर ये मन सोल मोल एक मन का है तो जितने तेरे चूर नहीं ये टोटे नहीं होंगे, ये भी हिलता रहेगा। ये मन पिंगल पिया पी हरि नाम पारा, ये पिंगला हो गया जब वो मालिक का नाम अंदर आया, यदिया लत्तां बाहां जुड़ गई टुट गई, ये हिलना बंद हो गया। हाँ जी बस करिए, और कदे लिए हम।